कहानी कहानी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सब लोग कैसा कहानी सुनोगे, जंगल का डराने वाला कि हंसाने वाला? डराने वाला। अच्छा कितने लोग डरते नहीं है, हाथ ऊपर करें। अरे आप लोग बहादुर हो क्या? चलो देखते हैं, अगर कोई डरा तो वो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है? चलो सुनते हैं एक कहानी, डरावनी कहानी। आज से लगभग 10 साल पहले, ध्यान से सुनो, आज से लगभग 10 साल पहले एक जंगल था जो कि लखेसर गांव के सई नदी के किनारे था। ध्यान से सुनो बेटा, एक बार काली अंधेरी रात थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा अपने पूरी चांदनी के साथ जंगल को रोशनी दे रही थी। अकेवल आवाज में अगर था कुछ तो हवा का आवाज, और उस अंधेरी रात में एक पक्षी जाग रहा था, एक चिड़िया जाग रहा था। उस चिड़िया, वो चिड़िया कौन सी थी? रात को कौन जागता है? कौन सी चिड़िया? चिड़िया को पक्षी भी बोलते हैं, मगर पक्षी का कोई और नाम बताओ। गौरैया रात को जागती है। कौन जागता है? ऐसे बोलता है वो, कोयल तो बोलती है कु, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे बोलती है। वुक 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 वुक। उसे उल्लू। तो उल्लू जो है जाग रहा था और वो अपनी आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा था। इतना सन्नाटा था चारों तरफ कि बाप रे बाप, डरावने, कहीं सांप निकल के दौड़ रहे हैं तो कहीं उल्लू बोल रहा है। और गांव के लोगों की इसी तरीके से खिड़कियां बंद हो रही थी, खट 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 खट, और दरवाजे से आवाज आती है, अब दरवाजा, दरवाजे में तेल नहीं डालोगे तो ऐसी ही आवाज आती है ना। अब दरवाजे में तेल तो था नहीं, उसके सिकड़ में तेल नहीं लगी थी, तो आवाज आई, हाँ अभी डरोगे भी तुम लोग, कुछ समय और इंतजार करो। ओके ओके, अब सुनो, आगे सुनो। तो रात में कौन सी पक्षी थी जो बड़े बड़े आंख वाली थी, और आसमान में कौन टिमटिमा रहे थे? तारा टिमटिमा रहा था। अच्छा, और कौन था जो लाइट दे रहा था पूरे जंगल को? चंद्रमा। चंद्रमा अपना प्रकाश दे रही थी, चांदनी रात थी। तभी अचानक में कई सारे चिड़िए अपना घोंसला छोड़ के, अपना पेड़ छोड़ के उड़ने लगे, क्योंकि जंगल में किसी के आने की आहट हो रही थी। कोई जंगल में आ रहा था जिसके डर से सब लोग कांप रहे थे और अपना अपना घर छोड़ के भाग रहे थे। सब लोग डर के मारा एकदम अपने अपने घरों में बंद हो गए। और उसकी आवाज से क्या हुआ, सभी सियार बोलने लगे, सियार कैसे बोलता है? अब क्या हुआ, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के पास बैठा था। जंगल में एक घर भी तो था ना, उस घर में जो है राजा अपनी माँ के पास दौड़ के जाता है, माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? राजा कहता है, माँ मुझे बहुत तेज डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। माँ कहती है, ना डरो बेटा, जो डरता है उसको लोग और डराते हैं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। जो डरता है वो
जो डरता है वो क्या बात है। गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह कहकर गया, जो डर गया वो मर गया, है कि नहीं? तो डरोगे कभी? अरे बैठ जा, कहाँ खड़ी हो गई भाई? हाँ, तब क्या होता है, जंगल में अचानक में तेज काले बादल झाने लगते हैं और बिजली तड़कना शुरू, और इसी बीच तेज, बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, और खिड़कियां आवाज करने लगती हैं, ठक 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 ठक, है कि नहीं? अब राजा को और तेज डर लगने लगता है। राजा की मम्मी कहती है, बेटा डरना नहीं है, क्योंकि जो डरता है वो तो राजा बोला, तो मम्मी मैं क्या करूं? मम्मी बोली, बस इन सभी आवाज का मजा लो। खिड़की कैसे बोली? खटखट 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 खटखट। उल्लू कैसे बोला? सियार कैसे बोला? और बादल कैसे गरजे? गड़गड़ 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 गड़गड़, है कि नहीं? अब उसको मजा आने लगा, राजा को मजा आने लगा। अब वो कहा, मम्मी मम्मी वहाँ एक चीज और थी। कहा, क्या बेटा? आवाज जो है हवा की भी तो आ रही थी। हवा की आवाज कैसे आ रही थी? अब मुझे कोई एक बच्चा बताएगा कि दरवाजा कैसे बोला? कौन बोलेगा? दरवाजा दरवाजा दरवाजा, कौन बताएगा दरवाजा कैसे आवाज किया था? ना खटखट खटखट तो खिड़की बोला था ना, दरवाजा नहीं, खटखट खटखट कौन बताएगा? आयुष, दरवाजा कैसे बोला था? उसमें तेल नहीं लगा था ना, तो कैसे आवाज किया था? चूर चूर कर रहा था ना, ऐसे आवाज कर रहा था। काचू 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 काचू। तो बताओ कितने लोगों को डर लगा था? तो मतलब आप लोग बहादुर बच्चे हो। कैसे बच्चे हो? आपको देखकर भूत भी भाग जाएगा। भूत भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? भाग जाएगा ना। चलो कौन भगवान का नाम लोगे बताओ? क्या बोलोगे? इतना टाइम तक सोचोगी कौन भगवान का नाम लेना है? तो हाँ, इतने सब भगवान का नाम ले डालोगी? हाँ, अरे बप्पा रे, अब सोचने में अगर टाइम लग गया तब। हाँ अरे वाह, सूरन लगाए क्यों, खाओ भी गऊ और बढ़िया। सुंदरी तुम कौन से भगवान का नाम लोगी? हाँ? मम्मी पापा से बढ़कर कोई नहीं। मम्मी पापा से बढ़कर भैया, अब आपके पास रहेंगे तो भगवान ने तो उनको आपके पास भेजा है ना। डरोगे तो किसके पास जाओगे? हाँ, माँ पापा पिताजी। हाय शाबाश, ताली बजाओ यार राजा के लिए। वेरी गुड। अरे बप्पा ये गंदी बात, तुम्हारी दीदी है ना? ना 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 ना, जो आपके भैया हैं, आपकी दीदी हैं, कभी भी किसी को मारते?